इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से, मैं आपके साथ सिमरन। चलिए सुनाते हैं आपको इस रेडियो बुलेटिन में बॉलीवुड की कुछ चटपटी बातें। बम्बई हाई कोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार को कोविड की दवा पहुंचाने के संबंध में स्थानीय कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी और अभिनेता सोनू सूद की भूमिका की जांच करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो इस बात का पता लगाएं कि कोरोना की दवाई इनके पास कैसे उपलब्ध हुई। अब इस मामले में नई जानकारी सामने आ रही है। रिपोर्ट की माने तो सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की है कि कुछ लोग उनका नाम खराब करने की नीयत से उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। सोनू सूद के खिलाफ ये याचिका नीलेश नवलखा नाम के एक शख्स ने दाखिल की है। सोनू का मानना है कि उनके नाम को खराब करने के लिए इस तरह की याचिका दाखिल की गई है। वो और उनका एनजीओ साफ नियत से सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए काम कर रहा है। जांच का आदेश देते हुए उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इन लोगों ने खुद को किसी तरह के मसीहा के रूप में पेश किया, ये सत्यापित किए बिना कि ड्रग नकली थे या कानूनी तौर पर उनकी आपूर्ति सही थी। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति एसपी देशमुख और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को ये निर्देश तब जारी किया जब राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसने मझगांव मेट्रोपॉलिटन अदालत में एक चैरिटेबल ट्रस्ट बीडीआर फाउंडेशन और उसके ट्रस्टियों के खिलाफ सिद्दीक को एंटी कोविड ड्रग रेमडेसिविर की आपूर्ति के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया है, क्योंकि ट्रस्ट के पास इसके लिए अपेक्षित लाइसेंस नहीं था। हाईकोर्ट में आज इस केस की सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट से खुद ही इस बात की जांच का आदेश दिया है कि ऐसे में सोनू सूद को इस मामले में कितनी राहत कोर्ट से मिलेगी, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। बॉलीवुड स्टार माधुरी दीक्षित को सफल बनाने में फिल्म निर्माता निर्देशक सुभाष घई और बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का बड़ा हाथ माना जाता है। सरोज और माधुरी के बीच की बॉन्डिंग गुरु शिष्या से बढ़कर थी, लेकिन जब माधुरी ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था तब सरोज खान को एक्ट्रेस से बहुत शिकायत थी। इसका खुलासा हाल ही में एक शो पर पहुंचे सुभाष घई ने किया था। माधुरी दीक्षित ने जब फिल्म इंडस्ट्रीज में कदम रखा था तो वो डांस नहीं कर पाती थी। ये बात सुनने में कुछ अजीब लग सकती है, लेकिन यही सच है। आज अपने डांस से लाखों दिलों को धड़काने वाली माधुरी फिल्मी धुन पर डांस नहीं कर पाती थी। मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने इसका खुलासा हाल ही में डांस दीवाने 3 के सेट पर किया। दरअसल बीते वीकेंड पर डांस दीवाने 3 सुभाष घई गेस्ट जज के रोल में दिखाई दिए। इस दौरान शो के कंटेस्टेंट ने सुभाष की फिल्मों के गानों पर परफॉर्मेंस देकर उनका दिल जीत लिया। इस शो की जज माधुरी दीक्षित भी है। शो के दौरान ही पुराने दिनों को याद करते हुए सुभाष घई ने बताया था कि फिल्म उत्तर दक्षिण की शूटिंग चेन्नई में चल रही थी। इसी दौरान मुंबई में सुभाष घई के पास सरोज खान ने फ़ोन किया और कहा कि एक्ट्रेस वैसे तो अच्छी है लेकिन अच्छी डांसर नहीं है, इससे डांस करवाना थोड़ा मुश्किल है। सुभाष ये तो जानते थे कि माधुरी कथक डांसर है। सुभाष घई चेन्नई पहुंचे तो माधुरी ने उन्हें फ़ोन किया और ये कहा कि ये भाषा और शैली मुझे नहीं आती। इस पर सुभाष घई ने उन्हें सलाह दी कि सरोज जी के चेहरे और एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना हो जाएगा। बाद में सरोज खान और माधुरी दीक्षित के बीच कमाल की ट्यूनिंग हो गई, जिसकी वजह से कई सुपरहिट गानों पर जबरदस्त डांस कर माधुरी ने तहलका मचा दिया। सुभाष घई की सलाह और सरोज खान के साथ ने माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड की सफल एक्ट्रेस बना दिया। सरोज खान को माधुरी मास्टर जी कहकर बुलाया करती थी। कमाल राशिद खान इन दिनों एक एक करके सभी बॉलीवुड स्टार्स से पंगा ले रहे हैं। सलमान खान ने पंगा लेने के बाद सिंगर मीका सिंह ने सोशल मीडिया पर उन्हें घेर लिया, जिसके बाद उन्होंने गोविंदा का नाम लेते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया। हालांकि इसके बाद उन्होंने सफाई भी दी। अब कमाल खान किंग खान से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। केआरके ने शाहरुख खान को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए जो अब वायरल हो रहे हैं। जैसे शाहरुख खान को लेकर मीडिया पर ऐसी खबरें हैं कि साउथ सिनेमा के मशहूर फिल्म मेकर एटली कुमार के साथ फिल्म करने वाले हैं। इन खबरों पर अब केआरके ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने किंग खान को लेकर अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर बैक टू बैक कई ट्वीट किए हैं। केआरके ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि शाहरुख खान साउथ निर्देशक एटली कुमार के साथ फिल्म क्यों कर रहे हैं, जो हिंदी दर्शकों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। शाहरुख खान की ये सबसे बड़ी परेशानी है कि वो कहानी की बजाय फिल्म मेकर्स पर भरोसा कर रहे हैं। लोग उन्हें पठान जैसी मसाला फिल्मों में स्वीकार नहीं करेंगे।
केआरके ने वही दूसरे ट्वीट में लिखा कि यहां तक कि शाहरुख खान भी दूसरे कलाकारों की तरह गलती कर रहे हैं कि वो 56 साल की उम्र में भी बूढ़ा नहीं बनना चाहते हैं, वो सिर्फ भोलू क्यूट बॉय रोल करना चाहते हैं जिसे लोग पचा नहीं पाएंगे। बॉलीवुड कलाकारों को फोबिया है कि फिल्मों में यंग अभिनेत्रियों को पाने के लिए वो यंग बॉय रोल करें। आपको बता दें कि कमाल राशिद खान शाहरुख खान को लेकर यही नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट कर लिखा, शाहरुख खान शानदार अभिनेता है और अगर वो सही फिल्म करते हैं तो वो अभी भी 500 करोड़ के बिजनेस की बड़ी हिट फिल्म दे सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो गलत फिल्में कर रहे हैं। मैं सच में उनसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे उनकी ख़राब फिल्मों के चॉइस के लिए बुरा लगता है और जब मैं ख़राब रिव्यू दूंगा तो वो दूसरे कलाकारों की तरह गुस्सा हो जाएंगे। इससे पहले केआरके ने बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो अपने लाइफ के 12वीं फ्लॉप फिल्म देने जा रही है। उन्होंने एक्ट्रेस पर खिलाफ ट्वीट कर उनके आने वाली मूवी को पहले ही फ्लॉप बता दिया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम शादी के बाद हाल ही में पति आदित्य धर के साथ हिमाचल प्रदेश से वापस मुंबई लौटी है और उन्होंने काम पर भी वापसी कर ली है। हाल ही में मुंबई लौटी यामी गौतम और आदित्य धर ने अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। यामी की अगली फिल्म एक थर्सडे है जिसकी शूटिंग जल्द दोबारा शुरू होगी। कोरोना के चलते फिल्म की शूटिंग लंबे समय से प्रभावित चल रही थी और फिर एक्ट्रेस अपनी शादी के चलते काम से कुछ दिनों से दूर थी, लेकिन अब जब वो मुंबई वापस आ गई है तो जल्द ही काम पर भी वापसी कर लेंगी। इस फिल्म को रोनी स्क्रूवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुंबई में यामी गौतम का 20 दिनों का शूटिंग शेड्यूल है जिसे उन्हें पूरा करना है। इस शेड्यूल में यामी शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म की शूटिंग करेगी। फिल्म में यामी एक्शन सीन करती भी नजर आएगी, इसके अलावा वो सामान्य सीन की शूटिंग भी करेगी। इसके बाद यामी अनिरुद्ध रॉय चौधरी की फिल्म की शूटिंग शुरू करेगी। यामी गौतम के पास रोनी स्क्रूवाला और आदित्य धर के प्रोडक्शन की भी एक फिल्म है जिसमें वो प्रतीक गांधी के साथ नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू होने की संभावना है। वहीं आदित्य धर द इमॉर्टल अस्थमा के भी प्री प्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं। इसमें सारा अली खान और विक्की कौशल लीड रोल में नजर आएंगे। यामी गौतम ने 4 जून को शादी की खबर देकर फैंस को हैरान कर दिया। उन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर आदित्य धर संग सात फेरे लिए हैं। यामी ने फैंस को अपनी शादी की खबर सोशल मीडिया के जरिए दी थी। शादी के बाद हाल ही में यामी हस्बैंड आदित्य धर के साथ हिमाचल प्रदेश से मुंबई लौटी है। यामी गौतम ने बहन सुरीली के साथ अपनी शादी से एक तस्वीर और एक वीडियो शेयर किए थे जिसके जरिए उन्होंने बहन को वन मैन आर्मी बताया था। फोटो और वीडियो में सुरीली को यामी गौतम को तैयार करते देखा जा सकता है। बॉलीवुड अभिनेता ईशान खट्टर और अनन्या पांडे को आखिरी बार मकबूल खान की खाली पीली में एक साथ देखा गया था और दर्शकों ने स्क्रीन पर उनकी जोड़ी बेहद पसंद आई थी। फिल्म के बाद से ही दोनों को अक्सर साथ स्पॉट किया जाता रहा है जिसके चलते दोनों की डेटिंग की खबरें भी जोर पकड़ रही है। दोनों के रिलेशनशिप की खबरों ने तब जोर पकड़ लिया जब दोनों न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए साथ मालदीव गए। वहीं सोशल मीडिया पर भी दोनों एक दूसरे के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं। ईशान अक्सर ही अपनी ज़िंदगी के बारे में अपने फैंस के साथ जानकारी शेयर करते हैं। हाल ही में आस्क मी एनीथिंग सेशन में उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद ईशान और अनन्या पांडे के फैन काफ़ी खुश हो जाएंगे। दरअसल आस्क मी एनीथिंग सेशन के दौरान जब ईशान से एक फैन ने उनके फेवरेट योगा पार्टनर के बारे में पूछा तो उन्होंने खाली पीली की एक्टर अनन्या पांडे का नाम लिया। ईशान खट्टर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अनन्या पांडे की फोटो शेयर करते हुए उन्हें अपनी फेवरेट योगा पार्टनर बताया है। ईशान खट्टर ने अनन्या पांडे के बचपन की एक फोटो शेयर की है जिसके साथ उन्होंने एक्ट्रेस को अपनी फेवरेट योगा पार्टनर बताया है। इस फोटो में अनन्या व्हाइट रेड पोल्का डॉट नाइट सूट पहने नजर आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने अपने हाथ में एक बैग भी पकड़ रखा है। अनन्या की ये क्यूट फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक तरफ जहां अनन्या के बचपन की फोटो फैंस को पसंद आ रही है तो वहीं ईशान खट्टर का उन्हें अपनी फेवरेट योगा पार्टनर बताना भी फैंस को रास आ रहा है। वर्क फ्रेंड की बात करें तो अनन्या पांडे फिल्म लाइकर में विजय देवरकोंडा के साथ लीड रोल में नजर आएंगी जो हिंदी और तेलुगु भाषा में होगी। जानकारी के मुताबिक इसके अलावा लाइकर कई और भाषाओं में डब होगी। ये फिल्म अनन्या की पहली साउथ फिल्म होगी और विजय पहली बार बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ काम करेंगे। करण जौहर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। इसी तरह की हर अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एम पीपल। जय हिंद, जय भारत।